अगर हमें भी वैसा ही चलना है जैसे लोग चलते हैं, फिर हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। जीसस ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है स्तुति करें, बढ़ाई करें। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। जिस दिन मुझ पर पहली प्रार्थना हुई थी उस दिन चंगाई पूरी तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं समझ गया था कि अगर कोई परमेश्वर इस दुनिया में है तो वो यीशु मसीह। जब पहला करंट लगा था तो मैं समझ गया था, क्योंकि मैं सब घूम चुका था, सब मुझे मालूम हो चुका था कि अगर कोई जीवित परमेश्वर है तो वो परमेश्वर है, क्योंकि जो मैंने महसूस किया था वह मैंने पहले कभी नहीं किया। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आमेन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज की ये मीटिंग मैं कभी ना भूलूं, ये मेरे दिल में छप जाए, ये वचन मेरे दिल में छप जाए। आपको अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए जाए तो उजाला। ये संडे, अगले संडे, उससे अगले संडे, हालांकि अगले संडे के बाद फिर इंग्लैंड में मैं जा रहा हूं सिर्फ 3 दिन के लिए। संडे कोई मिस नहीं होगा। इस थर्सडे भी मैं यहां पे हूं, कुछ भी मिस नहीं होगा। वो कहने का मेरा मकसद ये है कि मैं नहीं चाहता कि डिक्लेरेशन में, घोषणाओं में बिना समझ के साथ मैं आपको आगे ले जाऊं। आपको यह समझ होनी चाहिए कि घोषणाओं का मतलब क्या है और इससे क्या होता है। जब एक पौधा आप उसको लगाते हो धरती पे, उसको नीचे दबा देते हो और पानी दे देते हो, वो तो हमने अब देखा है इतना कुछ उगते हुए, हमें पता है कि ये उग जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जो इस संसार में उसने कुछ नहीं देखा हो, अगर आप उसे कहेंगे कि ये जो बीज लगा दिया ना इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं तो झूठ बोल रहे, इसके अंदर से इतना बड़ा पेड़ कैसे निकल सकता है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? घोषणा उसी बीज की तरह है जो आप जमीन के अंदर लगाते हो। आत्मा में अनजान है, जिस तरह कोई शारीरिक रूप में अगर अनजान है किसी को, अगर वो बिल्कुल अंदर रखा, कभी दुनिया दिखाई नहीं, जब वो एकदम से दुनिया में एक्सपोज होगा और उसको कहेंगे कि ये जो छोटा सा बीज है ना ये बड़ा पेड़ बन जाएगा, नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह से आत्मिक दुनिया में एक बंदा प्रवेश करता है, जब उसको बोला जाता है कि अगर तू बोलेगा तो इतना बड़ा रिजल्ट आएगा, वो भी सेम बात कहता है, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। आप मेरी बात समझ रहे हो नहीं? जब मैं मेंटली अपसेट के अटैक्स में था तो मुझे पास्टर बोलते थे कि जब तू शीशे के सामने खड़ा होगा तो तुझे अपने आप से बात करनी होगी कि तू परमेश्वर का एक बड़ा दास है। तो मैं कहा बड़ा दास? मैं विश्वासी भी अपने आप को नहीं समझ पाता था। आज तो उल्टा है। आज अगर किसी को थोड़ा सा वचन पढ़ना आ जाए बोलेगा मैं पास्टर बनना चाहता हूं, मुझे पास्टर बनना है, मुझे मसा कर दो। मेरा उल्टा था। मेरे को 1 साल यकीन दिलवाया गया कि नहीं तू इस्तेमाल हो सकता है, मैं बोलता नहीं, कैसे कैसे मेंटली अपसेट हूं,
नहीं तो अपने आप को प्रभु का दास समझा कर। एक साल लगा मुझे समझने में। शीशे के सामने खड़ा हुआ कर बोला कर, मेरी बाइबल लेके आओ स्टेज पे पढ़िए। जो मेरी बाइबल के पीछे, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं इतनी पढ़ता हूं वो बार बार फट जाती, कभी जिल्द फट। पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हैं, जूम मत करना, अच्छा कॉपी कर ले। नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें, मेरी पर्सनल प्रेयर है गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए। मैं क्या करता हूं, हर बंदे की प्रॉब्लम अलग है, जीवन अलग है, प्रभु के बात करने का तरीका अलग है। जब आप प्रेयर करें तो लिख के करें, पहला पॉइंट बच्चों के लिए प्रेयर। फिर उस प्रेयर को किस वचन से करना है वो सीखो, कि कहां बच्चों का वचन लिखा है। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा, वह कुशल से टिका रहेगा, उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। ये वो लाइन है जो मैं अपने बच्चों के लिए करता हूं, वचन से। हीलिंग के लिए भजन संहिता 91, भजन संहिता 103, नीति वचन 3, ये मेरे लिखे हुए हैं। तो मैं लिख के प्रार्थना करता हूं, एक एक पॉइंट लिखता हूं, वो पॉइंट के लिए वचन निकालता हूं, वचन बोलकर प्रार्थना करता हूं, फिर पॉइंट खत्म होता है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। अगर आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, आप नोटिस करेंगे थोड़े ही महीने के अंदर जितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं।